Hello, Namaskar. Welcome to Kundra Classes. Today the topic of discussion is keys in DBMS and types of keys. आज का important topic है keys और कितने तरीके की keys होती हैं। ये बहुत important है। क्यों बहुत important है? क्योंकि आपको पढ़ना है normalization. Normalization की definition मैं आपको बताता हूँ. Normalization कहता है normalization is a process of analyzing relational schema in terms of keys and functional dependency. तो कीज और फंक्शनल डिपेंडेंसी के टर्म्स में हम किसी रिलेशनल स्कीमा को किसी टेबल को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो मैंने आपको पढ़ा दी फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्या नहीं पढ़ाया कीज। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? कीज पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कीज पढ़ने जा रहे हैं, कितने तरीके की कीज होती है, कीज निकालते कैसे है, हर एक चीज, हर एक की, हर एक टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से, चाहे 3 या 4 वीडियो बनेंगी सारे कीज के ऊपर, टाइप्स ऑफ कीज के ऊपर, कीज कैसे निकालते हैं, कैंडिडेट की क्या है, हर एक की मैं कंठस्थ करने वाला हूं आपको। फॉरेन की वीडियो ऑलरेडी बना दी है तो वो तो आपने ऑलरेडी सीख लिया कैसे फॉरेन की काम करता है। आज हम यहाँ पे कुछ कीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, की क्या है और की की जरूरत क्यों है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉट इज की क्या है, पहले बात तो की क्या है और why we need a key और की की हमें जरूरत क्या है, की है क्या और की की हमें जरूरत क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सपोज करो, एग्जांपल क्या है, की क्या है, एक ऐसी चीज जिसकी मदद से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ। अभी मैं टेक्निकल टर्म्स में बता ही नहीं रहा, एक ऐसी चीज जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करो। अब किसी भी चीज क्या है, यहां डेटाबेस है, यहां बात होती किसी भी चीज मतलब टेबल की, तो टेबल में अगर वो चीज पता चल जाए तो आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल अब आप एक नॉर्मल से एग्जाम्पल दो, क्या हुआ, सपोज करो एक कन्या है, ठीक है, एक कन्या है एग्जाम देने के लिए, तो वहां पे एग्जाम देने एक और लड़का भी गया हुआ था और उस लड़के ने उस कन्या को कमेंट पास कर दिया। अब उस लड़की ने उस लड़के को ना थप्पड़ मारा खींच के और वो लड़का भागने लग गया। भागते भागते क्या हुआ, लड़के का एडमिट कार्ड गिर गया, ठीक है, लड़के का एडमिट कार्ड गिर गया। लड़के के एडमिट कार्ड में नाम लिखा हुआ था आदित्य, ठीक है, और उसका रोल नंबर भी लिखा हुआ था। अब आप मुझे दोनों चीज में बताओ, दो चीजें लिखी हुई थी, उसका नाम लिखा था सिर्फ और उसका रोल नंबर लिखा हुआ था। अब बताओ ऐसी कौन सी दोनों में से चीज है जिसकी मदद से आप उस लड़के को बिल्कुल अच्छी तरीके से पकड़ सकते हो। समझ गए ना, नाम तो आदित्य कई हो सकते हैं, नाम तो आदित्य कई हो सकते हैं, लेकिन सपोज करो एग्जाम था आपका SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, तो आदित्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आदित्य 1000 होंगे, 500 आदित्य एग्जाम देने आए होंगे, लेकिन रोल नंबर उस आदित्य का, उस बंदे का एग्जैक्टली कॉमन होगा। अब वो लड़की ऑफिस जाके बोलेगी, भैया ये रोल नंबर है, मुझे बताओ कि ये लड़का कौन है, इसके पिताजी का नाम क्या है, इसकी माताजी का नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, और आपको पता है कि रोल नंबर की मदद से आप पूरा का पूरा पता कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर उस एडमिट कार्ड सिर्फ आदित्य लिखा होता, सिर्फ आदित्य, रोल नंबर नहीं लिखा होता, सिर्फ आदित्य लिखा होता, क्या वो लड़की उसको ढूंढ पाती, क्या वो लड़की उसको पकड़ पाती? कभी भी नहीं पकड़ पाती। क्यों? क्योंकि अगर वो पुलिस के पास भी जाती, स्टेट बैंक के पास भी जाती, तो स्टेट बैंक भी कहता कि भाई आदित्य तो 500 है, तो फिर वो लड़की स्टेट बैंक के कर्मचारी को थप्पड़ मारती, बोलती भाई ऐसा काम किया क्यों, कुछ भैया आइडेंटिटी तो बनाते कि कौन सा आदित्य था ये। तो अब बात समझ में आई, तब ये बात उनको समझ में आई होगी, तो उन्होंने क्या किया, हर बंदे के साथ एक ऐसी यूनिक सी चीज जोड़ी जिसकी मदद से आप उस बंदे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो उस चीज की मदद से। और एक एग्जांपल ले लो, आधार नंबर, सबका अलग अलग ही है ना आधार नंबर, किसी का, अगर किसी का आधार मिल जाए आपको, आजकल कहते हैं ना बच्चों का आधार बनवा लो, बच्चों का भी आधार बनवा लो, अगर मान लो वो बच्चा खो भी जाए, सपोज करो वो बच्चा, एक बच्चा है 3 साल का, वो बच्चा मार्केट में खो गया, ठीक है, वो कहीं ट्रेन में गया, वो बच्चा खो गया, लेकिन उस बच्चे का आधार बना हुआ है, तो क्या उस बच्चे के घर का, उसके माता पिता सबकी चीज बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। उस बच्चे को आधार सेंटर पे लेके जाओ, उसकी फिंगरप्रिंट स्कैन कराओ, उसकी फिंगरप्रिंट से उस बच्चे की इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि इसका आधार नंबर ये, और आधार से तो पूरी हिस्ट्री निकल आएगी कि वो किस गांव, किस मोहल्ले, किस पिता, किस माता का बेटा है, उसकी आंखों का रेटिना भी पता चल जाएगा। बोलो इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या दो। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, किसी को मिस कॉल मार के देख लेना, किसी को मिस कॉल मार के देख लेना, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर भी क्या है, यूनिक है, मोबाइल नंबर से भी आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, क्लियर। तो किसी को आपने सोचा कि अरे
चलो वो मैडम तो अच्छी है, मानसी मैडम तो बहुत सुंदर लग रही है, चलो उनको मिस कॉल मार देते हैं, ठीक है, रात में 12 बजे के बाद मानसी मैडम आपको खदेड़ देंगी, ठीक है, पकड़ लेंगी, क्यों, क्योंकि मोबाइल नंबर यूनिक है, सीधे मानसी मैडम जाएंगी, पुलिस वाले 2 मिनट में पता करके बता देंगे कि क्योंकि आज बिना आधार नंबर और बिना डॉक्यूमेंट प्रूफ के आपको मिलता ही नहीं है। तो ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी मदद से आप किसी भी टेबल के किसी भी वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आओ दिक्कत समझाता हूं। अगर ये टेबल दिया हुआ है आपको, टेबल में नेम है, मार्क्स है, डिपार्टमेंट है और कोर्स है, क्लियर। मैंने कहा कि भैया सपोज करो पारुल, पारुल एक एक पारुल और है, ठीक है, सपोज करो मैं ये एक चीज और लिख देता हूं, पारुल और फॉर्चुनेटली स्त्री सी एस और सीता, ठीक है, ये टेबल था, मैंने बताओ इस टेबल में ऐसी क्या चीज है। अगर मैंने कहा इस टेबल में मैं गया तुरंत, मैंने कहा यार ये पारुल नाम के बंदे ने ना बहुत तंग करके रखा है, ठीक है, ये पारुल नाम ने बहुत तंग करके रखा है, जरा पारुल की इंफॉर्मेशन दो। तो जब पारुल की इंफॉर्मेशन लेने गए तो पता चला पारुल जो है वो 2 पारुल निकलते। अरे बाप रे, अच्छा चलो नंबर से पता लगाते, दोनों के नंबर 60 है, दोनों ने 60, दोनों सीएस डिपार्टमेंट में है और दोनों C1 कोर्स पढ़ रहे हैं, आप कैसे पता लगाओगे, ठीक है ना, दिक्कत हो गई ना। तो जब आप इसको किसी टेबल की इंफॉर्मेशन में से डेटा पता लगवाना है तब तो आप कैसे पता लगवाओगे ना, उसके लिए आप कैसे पता लगाओगे बताओ, पारुल के लिए हम कैसे पता लगाएंगे, गरिमा भी एक से ज्यादा हो सकती है, अजय भी एक से, मतलब एक सैंपल एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे बहुत एक से ज्यादा हो सकते हैं। मैंने कहा चलो 2 चीजों को मिला लो तब पता लगा सकते हैं क्या। अगर मैंने इन 2 चीजों को मिला लिया तो 2 चीजों को मिलाने के बाद भी दिक्कत आ रही है, 2 चीजों को मिलाने के बाद भी दिक्कत क्या आ रही है कि पारुल 60 ये भी है और पारुल 60 ये भी है, तब भी दिक्कत आ रही है। चलो 3 चीजों को मिला लो, हो सकता है तीनों चीजें कॉमन हो सकता है कि 3 बच्चे क्लास में ऐसे हो चीटिंग कर लिए उन्होंने, तीनों सीएस डिपार्टमेंट के और तीनों के मार्क्स सेम आ जाए तो भी आप नहीं पता लगा सकते, कोर्स हो सकता है तीनों सेम कोर्स के हो, ठीक है। अब क्या करें, कैसे पता लगाएं कि भैया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टेट बैंक का, उससे अच्छा एग्जांपल मैं आपको क्या दूं, तो अब कैसे पता लगाएं कि वो बंदा क्या है कैसे है। तो एक चीज और मार्केट में आई जो यूनिक थी, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर। अब रोल नंबर तो आपको पता है सबके यूनिक होते ही है, तो मान लो पारुल, इस वाले पारुल का रोल नंबर 1 है, गरिमा का रोल नंबर 2 है, अजय का रोल नंबर 3 है, विजय का रोल नंबर 4 है, पारुल का रोल नंबर या अगर पारुल का रोल नंबर 5 है। इस तरीके से अब आप किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मुझे अजय की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बोलेंगे हम, मैं अगर आप मेरे पास अजय की इंफॉर्मेशन लेने आओगे, मैं कहूंगा भैया माफ करो अजय तो बहुत सारे हैं, रोल नंबर क्या है। तो जैसे ही आपने बोला 3 वाले रोल नंबर के इंफॉर्मेशन फेच करो, तो मैं फटाक से 3 वाले रोल नंबर की पूरे घर वालों की, इधर मान लो उनका पापा का नाम, दादा का नाम, घर का एड्रेस, टेबल के अंदर तो सब कुछ होता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता लगा देता। तो अब की क्या है, अब इतनी नौटंकी जो मैं बता रहा था, अब की क्या है, तो व्हाट इज की क्या है और व्हाई वी नीड, व्हाई वी नीड तो समझ में आ गया आपको, व्हाट इज की, तो व्हाट इज की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट 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 विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन यूनिकली, UNIQUELY, यूनिकली आइडेंटिफाई टपल मतलब रो ऑफ टेबल, ठीक है। तो की क्या है, वो एक एट्रीब्यूट है, वो एक कॉलम है, वो एक एट्रीब्यूट, इन्हें एट्रीब्यूट बोलते हैं, ये सारे एट्रीब्यूट है, वो एक कॉलम है या सेट ऑफ कॉलम, जरूरी नहीं की में एक ही कॉलम हो, की में एक से ज्यादा भी कॉलम हो सकते हैं, की में सारे कॉलम भी हो सकते हैं, वो सब मैं आपको डिस्कस करूंगा, अभी एक मैं जनरल टर्म बता रहा हूं। तो वो सारे कॉलम या सेट ऑफ कॉलम जिसकी मदद से आप यूनिकली, एकदम यूनिक कि मतलब अगर आपने रोल नंबर 1 दिया तो वो यूनिक यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रो को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने रोल नंबर 3 दिया है तो ये रोल नंबर 3 उसी अजय का है जिस अजय की आपको तलाश है, क्लियर। तो की वो होगी, समझ में आ गया। और जरूरत क्या है की, इससे अच्छा एग्जाम्पल मैंने क्या दू, 3 दिन एग्जाम्पल दिए आपको, तो अब जरूरत क्या है की, और की का डेफिनेशन क्या है, ये की की डेफिनेशन, ठीक है। अब आती है बात, ये तो हमने पढ़ लिया की क्या है और की की जरूरत क्या है, अब आती है टाइप्स ऑफ कीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कीज क्या है, कितने तरीके की है, हर एक चीज शानदार तरीके से जो आप कंठस्थ कराने वाला हूं मैं आपको, ठीक है, चलो ओके।
तो टाइप्स ऑफ कीज को डिस्कस करना है हमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ कीज में क्या क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है आपको सुपर की, सबसे इंपॉर्टेंट ये हायरार्की फॉलो करेंगे, सुपर की हमें पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मैंने कुछ लिखा भी है अभी आपको ध्यान नहीं देना है। फिर आपको पढ़ना है कैंडिडेट की, जिसके हम लोग सीके बोलते हैं कैंडिडेट की। फिर आपको पढ़ना है ऑल्टरनेट की, जिसे हम लोग एके बोलते हैं ऑल्टरनेट की। प्राइमरी की, जिसे हम लोग पीके बोलते हैं क्लियर। और फिर आपको पढ़ना है फॉरेन की, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एफ के फॉरेन की मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो ये इतने तरीके की कीज मुझे आपको पढ़ानी है और आपको इन कीज को आपको पढ़ना है। तो शुरुआत करता हूं मैं सुपर की से, तो मैं इन सारी कीज को मिटाता हूं ठीक है, क्योंकि अभी ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। आओ शुरुआत करते हैं सुपर की से। सुपर की क्या, जैसा कि नॉम है सुपरमैन, सुपर की। अच्छा सुपर की क्या, तो सुपर की सेम एज की ऑफ अ टेबल, जिस प्रकार से एक टेबल को की में किसी भी टेबल को की बोलते हैं, उसी प्रकार से वो सुपर की भी है। तो कुछ नहीं है, विच इज सेम एज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट। की भी क्या था, एट्रीब्यूट था या सेट ऑफ एट्रीब्यूट था। सुपर भी की भी क्या है, वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिनकी मदद से हम टेबल के किसी भी रो को यूनिकली मतलब बिल्कुल अलग से, अगर आदित्य को पकड़ना है तो आदित्य को ही पकड़ना है। तो सुपर की इज सेम एज अ की ऑफ अ टेबल, दैट इज विच इज एन एट्रीब्यूट, या तो वो एक एट्रीब्यूट हो सकता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट, सेट ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, विच यूनिकली आइडेंटिफाई टपल, दैट इज रो ऑफ अ टेबल क्लियर। चलो, सुपर सेट ऑफ अ सुपर की इज ऑल्सो सुपर की, मतलब अगर एक सुपर की है उसको और बढ़ा दे तो वो भी सुपर की है ठीक है। मतलब हालत तो ये है कि सुपर की में हैव ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल। तो एक टेबल में अगर पांच कॉलम है तो वो पांच कॉलम को भी अगर हम मिला दे तो वो भी क्या है, सुपर की है क्लियर। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई तो एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। चलो तो देखो, इससे पहले मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल समझा चुका हूं। तो ये एग्जांपल देखो, मैंने बोला कि की क्या होती, की वो चीज होता है, वो कॉलम होता है जिसकी मदद से हम टेबल के पूरे रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो की निकल के आया था रोल नंबर, तो वो की निकल के आया था रोल। तो रोल क्या है, की भी है और सुपर की भी है, ये की भी है और ये सुपर की भी है, जिसकी मदद से आप किसी भी कॉलम को, मतलब अगर यहां भले ही दो पारुल है लेकिन अगर आपको रोल नंबर पता है तो आप उसी पारुल को निकाल पाओगे जिस पारुल की आपको तलाश है क्लियर। चलो, अब मैंने रोल नंबर में नेम जोड़ दिया तो क्या ये भी सुपर की है, 100% ये भी सुपर की है, क्योंकि मैंने बताया था सुपर सेट, मतलब किसी भी एट्रीब्यूट को और बढ़ा दे तो वो भी सुपर की है। तो रोल नंबर में अगर मैं कुछ जोड़ दूं तो वो भी सुपर की है ठीक है। तो रोल नंबर और नेम, तो वन और पारुल देखो अलग है और फाइव ऑफ पारुल ये भी अलग है। अगर मैंने बोला वन पारुल की इंफॉर्मेशन दो तो भी आप अलग इंफॉर्मेशन दोगे, और मैंने बोला फाइव पारुल की इंफॉर्मेशन दो तब भी आप बिल्कुल अलग ही इंफॉर्मेशन दोगे आप मुझे क्लियर। और बढ़ा दूं अगर मैं रोल नंबर नेम और अगर मैं कर दूं मार्क्स तो ये भी सुपर की है। तो ये भी सुपर की है, सुपर की में, और फिर मैंने लास्ट में बताया था सुपर की कैन हैव ऑल द एट्रीब्यूट। तो नेम, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, डिपार्टमेंट और कोर्स, ये भी क्या है, सुपर की है। तो सुपर सेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो सुपर की। सुपर की में सारे कॉलम भी आ सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है भाई सारी इंफॉर्मेशन दो, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऑब्वियस है दैट इन दैट केस। लेकिन हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो फैक्टर जरूर आना चाहिए जिस फैक्टर की मदद से आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो क्लियर। तो सुपर की कैन हैव ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ आवर टेबल ठीक है। चलो, तो अब सुपर की या की क्या है जिसकी मदद से आप सारे के सारे एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो ठीक है। सारे के सारे मतलब रोल नंबर थ्री अगर मैंने बोला तो रोल नंबर थ्री की हर इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, रोल नंबर थ्री की हर इंफॉर्मेशन चाहिए। और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं और क्लियर। हेलो, तो मैं सुपर की आपको पढ़ा रहा था। सुपर की में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की इन अ टेबल, एक टेबल में कितने सुपर की हो सकते हैं। तो मैंने आपको सुपर की का फंडा दिया। सुपर की में पहले तो वो कॉमन, वो एट्रीब्यूट तो होगा जिसकी मदद से आप सारे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसके साथ कितने भी एट्रीब्यूट आप ऐड कर लो वो भी सुपर की होगा, ये मैंने अभी अभी आपको बताया ठीक है। तो अगर मैं ये इसी एग्जाम्पल को लू और इसी एग्जाम्पल को लू तो कितने, अगर मैं सिर्फ एक एट्रीब्यूट ले रहा हूं एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 5C1, और अगर दो एट्रीब्यूट ले लूं तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 5C2, और एक तीन एट्रीब्यूट ले लूं जो मैंने आपको करके दिया तो 5C3 हो सकता है, मैं चार ले लूं तो 5C4, और हो सकता है मैं पांचों के पांच ले लूं तो क्या हो सकता है 5C5 ठीक है। तो आपको ये इतने हमारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला पता है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो बस वही कर दीजिए आप, तो क्या होगा, That will be factorial 5 upon factorial 1 into factorial 4, then factorial 5
अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 1 देन 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज अगेन 5 एंड दिस इज 1। ये कट गया यार, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना। 4 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा तो सिर्फ 5 ही बचेगा, क्लियर। तो 5 इंटू 3 5 इंटू 4 कर लो, 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल से कट जाएगा तो 10 ही आएगा, क्लियर। इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये आ गया, तो ये कितना आ रहा है, दिस इज व्हाट इट कट्स 31। तो 31, तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितने हो सकते हैं, 31, अगर हमारे कॉलम, हमारे कॉलम कितने, 5, अगर 5 कॉलम है। तो जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट और गेट पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आता है, जनरल फॉर्मूला इज 2 की पावर n माइनस 1, दैट इज अगर 5 कॉलम 2 की पावर n माइनस 1, आई एम सॉरी 2 की पावर n माइनस 1। तो अगर हमारे पास 5 कॉलम है तो 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 5 इज व्हाट 32, और माइनस 1 कितना आ गया 31, प्रूव कर दिया हमने। चलो अगर 4 कॉलम है तो कितना होगा, 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 इज व्हाट 16, माइनस 1 इज व्हाट 15। दिस इज नॉट, इट जरूरी नहीं इतने होंगे, बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम इतने हो सकते हैं और 31 इतने मैक्सिमम हो सकते हैं अगर 5 कॉलम है। तो यहां तक मुझे पढ़ाने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग कैंडिडेट की और सुपर की के ऊपर और कुछ काम करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको कैंडिडेट की क्लियर हो जाए और उसके बाद फिर प्राइमरी की है, कैसे कैंडिडेट की निकालना, ये सब पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो की क्या होती है और सुपर की क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल यार, प्लीज, थैंक यू।